इतिहासहरू भएको खण्डमा एक एक गरेर उठेर हामीले राख्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर केही छ हजुर के नबुझ्नु भएको कुनै क्वेसन क्वेरिजहरू प्लिज सर आपको हिंदी समझ में आता है थोड़ा थोड़ा ठीक है प्लीज बैठिए सर देखिए कैटरेक्ट जो है ना वो हमारी आंखों से रिलेटेड बीमारी है आंखों से रिलेटेड का मतलब जब मेरी आंखों के पीछे का जो नसें हैं हमारी आंखों के पीछे और हमारे ब्रेन के अंदर बाल यानी हमारा जो बाल है ना उससे भी बारीक नसें होता है ये समझ गए ना हमारे ब्रेन और हमारी आंखों के पीछे बाल से भी पतला नसें होता है तो जब उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो जाती है आप बैठिए इसमें बता रहा हूँ सुनाई तो देगा बैठ के अच्छा आगे आइए फिर नहीं आपके लिए भी सबके लिए जरूरी है जो हमारी आंखों के पीछे और हमारे दिमाग के बाल से भी पतला नसें होता है सर ठीक है ये सेशन जो है ना 7 से 8 घंटे का होता है बट 8 घंटे अगर मैंने लिया तो आप लोग मुझे मारना शुरू कर देंगे तो इसलिए छोटा 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 किया था तब भी 2 घंटे हो गया तो जब इसके अंदर ब्लड का सप्लाई कमजोर हो जाता है तो इससे रिलेटेड बीमारी हो जाती है बीमारी समझ में आ गया अब चाहे वो आईसाइट वीक हो कैटरेक हो कुछ लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है ठीक है सो जब आप फाइटोविस को कंज्यूम करेंगे जो मैंने आपको सिस्टम बताया है उसके बाद बंसर आपको एक्सप्लेन करेंगे आपका जब ब्लड का सप्लाई आंखों में अच्छा हो जाएगा तो वो जो बीमारी है कैटरेक्ट है या आईसाइट वीक है वो अपने आप रिवर्स हो जाएगी पक्का अच्छा ठीक है अगर पक्का हुआ तो हाँ अब आप करेंगे तो मेरा वो अभी आपने पूछा पक्का हम करेंगे एक्सपीरियंस करेंगे उसके बाद दूसरा हम देखा मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ तो मैंने ये पूछा अगर अगर हुआ तो अच्छा हुआ सब लोग को अपने व्यक्तिगत अनुभव शेयर करेंगे मेरे लिए इतना ही काफी है सो देखिए आप एक इस सब्जेक्ट थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं जैसे सर का अभी डाउट था काफी लोगों के दिमाग में चलता है एनी डिजीज कोई भी बीमारी जो आपको समय के साथ आती है वो ठीक हो जाएगी किस जगह इसका काम और प्रोसेस स्लो है वो समझ लेना ठीक है कोई भी बच्चा जो पैदा हुआ है और पैदा होते ही उसके दिल में छेद है नहीं काम करेगा जन्मजात बीमारी एक किडनी नहीं आया हम किडनी नहीं बना देंगे अंदर हम छेद नहीं भरेंगे समझ गए ये बीमारी जो है आपकी ये आपकी लाइफस्टाइल की वजह से आई है किसी चीज की अंदर न्यूट्रिशन की कमी है जिसकी वजह से बीमारी आई है तो वो ठीक 100% हो जाएगी ठीक है सर और दूसरा एक्सीडेंटल एक्सीडेंटल का मतलब किसी का एक्सीडेंट हो गया पैर में रॉड टल गया हाथ में रॉड टल गया तो हम लोग मेटल के ऊपर काम नहीं करते हड्डी टूट गई और रॉड टल गया और किसी का एक्सीडेंट हुआ हॉस्पिटल में गया उसका ऑपरेशन हुआ दिमाग की यहां से लेके यहां तक की नस को काट के डस्टबिन में डाल दिया इसका मतलब वो सड़क काट के डस्टबिन में डाल दी वो बच्चा या वो एडल्ट वो जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा आप समझ गए
इन तीन चीजों को छोड़ के बाकी जितनी बीमारियां हैं वो सब हमारे खाने पीने और लाइफस्टाइल की वजह से आती है, वो ठीक हो जाएगा। सबको क्लियर हो गया ये? अब नेक्स्ट कोई किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज। हाँ सर, हमने ये फाइटोमिक्स के मरीज को दिया है, उसमें किडनी का प्रॉब्लम है, उसका क्रिएटिनिन 59 क्या बोलते हैं उसको, क्रिएटिनिन 59 है, और डायबिटीज पेशेंट है, वो भाग भी लीकेज है, उसको हमने फाइटोमिक्स को खिलाने का 4 दिन हो गया शुरू किया, बीमारी ठीक हो जाएगा। एक बीमारी को आने में 10 साल लगा, कितने? 10 साल। उस 10 साल का 10% कितना होता है? 1 साल। मैंने कितना टाइम मांगा? 6 महीने। एक और आपके पास प्रोडक्ट है विच इज लिक्विड। यस, सुबह आप क्या डोसेज दे रहे हैं उनको? कितना? हाफ कर देंगे। शाम को डिनर से पहले आप आपका दूसरा प्रोडक्ट जो है ऐड कर देंगे सर। समझ में आ गया सर? देखिए अभी अगर आप लोगों को क्वेश्चन सर का समझ में नहीं आया प्लीज आपस में बात नहीं करिए। वो जो पेशेंट है वो स्टार्टिंग में ग्रस्त हुआ डायबिटीज से। मैडम गॉसिप्स के लिए 23 घंटे हैं अभी, तो वो जो पेशेंट ग्रस्त हुआ वो डायबिटीज से स्टार्ट हुआ, सही है ना सर? आप सिर्फ हाँ हाँ बोलते रहना, बाकी मैं बोलूंगा। जैसे जोशी होता है ना, जोशी आपकी फ्यूचर का प्रेडिक्शन करता है, बस होगा नहीं होगा उसको भी नहीं मालूम और आपको भी नहीं मालूम, बस उसको 50 रुपए 100 रुपए का फीस लेना है, ठीक है ना? सो स्टार्ट हुआ डायबिटीज बीपी, उसकी गोली खाते खाते उनका किडनी फेल हो गया। किडनी का मतलब है आपका एक वाइटल, वाइटल का मतलब एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, किडनी हार्ट लंग्स, दीज आर कॉल्ड वाइटल ऑर्गन। और एक ऑर्गन खराब होने का मतलब है बाकी सभी ऑर्गन भी काम करना बंद कर देते हैं। किडनी क्या काम करती है आपकी बॉडी में? आप चाय छानते हैं घर पे, छन्नी यूज करते हैं, वो छन्नी आपकी बॉडी में ऊपर वाले ने किडनी बना के भेजी है। छन्नी का मतलब आप सारा दिन में जितनी गंदगी लेते हैं अंदर हवा से, पानी से, खाने से, किडनी उस गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है। समझ में आया? किडनी जब वो छन्नी खराब हो जाती है तो गंदगी अंदर इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, इसीलिए किडनी के पेशेंट्स को स्वेलिंग हो जाती है और डॉक्टर पानी पीने से मना करते हैं। अगर उसने 1 लीटर पानी पी लिया पेट फूल जाएगा उसका, जैसे प्रेग्नेंट हो जाएगा, ठीक है? तो इस छन्नी को दोबारा ठीक करना है, तो इसके लिए कम से कम मैंने आपको किडनी के यहाँ पर 2 पेशेंट दिखाए थे सर, क्रिटाइन वाला और एक किडनी इन्फेक्शन का। मिनिमम 2 मंथ्स उसका ऑर्गन रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देगा। ऑर्गन रिस्पॉन्ड का मतलब उसको नेचुरल भूख लगेगा, नेचुरल प्यास लगेगा, पहली चीज सर। ये सिम्टम्स अच्छे होने के हैं, ठीक है? और जितने भी किडनी के पेशेंट्स हैं आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा, उनको जो आप खाना खिलाते हैं डाइट, एनी क्रॉनिकल डिजीज, कोई भी क्रॉनिकल डिजीज है, एक मेरा एक डाइट चार्ट है, वो आप डाइट चार्ट सर से ले लेंगे, वो डाइट चार्ट फॉलो करना है। और किडनी या कैंसर या किसी भी क्रॉनिकल डिजीज के पेशेंट को खाना की क्वांटिटी नहीं बढ़ाना, खाने की ड्यूरेशन को स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट का मतलब वो दिन में 6 से 7 बार खाना खाएगा, थोड़ा 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 थोड़ा, उसको ऐसे नहीं करना सुबह नाश्ते में 3 रोटी खिला दी, 3 बार करके खाना, 6 बार करके सर स्प्लिट, क्वांटिटी नहीं बढ़ाई, उसी 3 रोटी को मैंने स्प्लिट कर दिया, ठीक है? और एक छोटा सा डाइट प्लान है, 4 डाइट होगा, वो आप सर से लेके वो आप उनको आज से फॉलो करवा देंगे, ठीक है ना? और 2 महीने में रिजल्ट आएगा, मैक्सिमम 6 महीने में उनकी किडनी, हार्ट और बाकी जो आपने 2 बीमारियों के नाम लिए वो भी ठीक हो जाएगा। उसके लिए अलग
से कुछ नहीं देना, ठीक है? आपको सिर्फ ये ऐड करना है जो डिनर से पहले इसका जो डोसेज है वो आपको मालूम है। और बताइए सर कोई क्वेश्चन? कितना है सर? अच्छा हाँ सर, आपको हिंदी समझ में आता है थोड़ा थोड़ा? और मैडम को नहीं आता? सो आप थोड़ा सा मैडम को हिंदी सिखाएं जब फ्री होते हैं तो। देखिए मैंने आपको जब घुटने के बारे में बता रहा था तो मैंने ये बताया था हमारे घुटने के अंदर कोई भी कटोरी वटोरी चम्मच गिलास नहीं है, ठीक है ना? और कुछ भी घिसता नहीं है। घिसने का मतलब, मेरे पास कई बार पेशेंट आते हैं सर हमारे पैर की हड्डी घिस गई। सो आप लोग ध्यान से सुनिए, पैर की हड्डी घिसना, मैं उससे ये पूछता हूं क्या आप अपना पैर जमीन के ऊपर रगड़ते हैं क्या? तो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ हड्डी घिसना। घिसने का मतलब क्या होता है? एक चौक है ना, चौक को मैं यहां चलाऊंगा तभी तो घिसेगा वो। तो आप रात को सोते हुए हड्डी घिसते हैं क्या दीवार पे? देयर इज सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन योर नर्वस सेल और बोन सेल। समझ में आया? हड्डी के सेल नहीं बन रहे और नर्वस सेल वीक है, ब्लड का सप्लाई नहीं हो रहा यहां पे। अभी हम लोग कहां पर हैं? कौन सी जगह है ये? ठीक है, यहां से 100 किलोमीटर पे इसी जगह का नाम बताओ। लुम्बिनी एग्जांपल, एक बंदा देते काफी है। सो आपने जो भी जगह का नाम बताया है, अगर यहां से हम लोग ट्रैवल करते हैं और पूरा, सर आप लोग ध्यान से सुनना मैडम और आप, ठीक है? अगर हम लोग यहां से ट्रैवल स्टार्ट करते हैं, अभी टाइम हुआ है लगभग 3 बजे है, ठीक है? तो वो 100 किलोमीटर रोड पूरा मस्त और जबरदस्त है, मतलब कोई गड्ढा वड्ढा नहीं है, कोई स्पीड ब्रेकर, कोई लाल बत्ती नहीं। हम कितनी देर में पहुंच जाएंगे? 100 किलोमीटर की स्पीड से, मतलब 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। रास्ता अच्छा है तो ठीक है, चलो सर की बात मान लेते हैं, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, ठीक है? सर आप उसी जगह पे हमें जाना है बट पूरा रोड टूटा हुआ, आप बताओ 4 से 5 घंटा? यही बीमारी है, समझ में आया? जब ब्लड यहां जा रहा है उसको रास्ता नहीं मिल रहा ट्रैवल करने का, तो पीछे से क्या करता है? प्रेशर, और जब प्रेशर होता है तो दर्द होती है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, जैसे जख्म इंजरीज हमारी बॉडी के बाहर होता है वैसे ही अंदर भी होता है। तो सर का नर्वस सिस्टम वीक होना, बोन सेल वीक होना और ब्लड का सप्लाई प्रॉपर नहीं है, वेन्स के अंदर जख्म है, तो जब ब्लड आता है तो दर्द होता है। इसीलिए अर्थराइटिस के पेशेंट को दर्द होता है, क्यों? पोर्स के बीच में जख्म है, जब जख्म होगा तो पेन होगा और जब जख्म रिमूव हो जाएगा तो दर्द खत्म हो जाएगा। समझ में आया सर? सो मैडम ये आपको सुबह सर का एक डाइट प्लान और शाम को डिनर से पहले आपको ये यूज करना है। कम से कम 2 से 4 महीने सर का ये पेन में दर्द वर्क और सर की एनर्जी स्टेमिना लेवल भी बढ़ता है, वो फ्री में मिलेगा।
क्लियर है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर दर्द वाला जितना बीमारी है जो आंसर मैंने अभी वहां दिया है इससे कॉपी कर लो। कंट्रोल सी कंट्रोल बी, कंट्रोल ए मत करना, अल्टर मत करना, अल्टर किया तो प्रॉब्लम है। जैसा मैंने बोला है उसे कंट्रोल सी फिर कंट्रोल बी यानी पेस्ट कर दो बस। जितनी भी दर्द है सर्वाइकल पेन, माइग्रेन पेन, कमर दर्द, सर दर्द, घुटना दर्द, बैक में दर्द, सबका एक ही आंसर है। क्लियर हो गया सर? आप समझ लो, आप सर को बता दो क्वेश्चन त्यस्तै छ होला नि त के भयो। कुनै प्रश्न क्वेश्चन होला पीएच बैलेंस नीचे गिर जाता है। पीएच बैलेंस क्या होता है?
अब 5 मिनट मेरी बात ध्यान से सुन लेना, बीमारी समझ में आ जाएगी। आपकी स्किन का पीएच है 3.5 to 4.5 और 5.5। आप जितना भी कॉस्मेटिक यूज करते हैं, फाउंडेशन यूज करते हैं, अगर उसका पीएच 3.5 टू 5.5 का है तो आपकी स्किन के ऊपर अच्छा रिजल्ट देगा। मैडम को पानी पीने दो पहले, बैठिए बेटा। ठीक है, इसीलिए अगर आप लोग डव, डव का नाम सुना है, साबुन आता है महंगा आता है, लक्स सस्ता आता है, क्यों डब का? अब मेज बोलने लग गए सर, आप भी सुनिए, आपके घर में भी लेडीज होगा तो आपके लिए भी काम आएगा। ठीक है, एक और साइंस बता रहा हूं मैं आपको, पीएच साइंस, आपकी बॉडी की साइंस। सो जो डब आता है या पीएस आता है वो महंगा साबुन आता है, क्यों? रीजन, उसका पीएच बैलेंस आपकी स्किन की पीएच बैलेंस से मैच करता है, उससे नहाने के बाद ऐसे लगता है सॉफ्टनेस आ गई है। लक्स का पीएच बैलेंस होता है 10 और आपकी स्किन का कितना है 3.5, तो उसको यूज करने के बाद लगता है हार्डनेस आ गया है। समझ में आ गया लॉजिक? जो लोग वी वॉश यूज करते हैं अपने इंटीमेट या प्राइवेट ऑर्गन्स के लिए, उस वी वॉश का जो पीएच बैलेंस होता है वो 3.5 होता है, जो आपके ऑर्गन का पीएच है, इसीलिए वो यूज करने के बाद रैशेज चले जाते हैं। समझ में आया लॉजिक? तो जब आपके ऑर्गन का, ये तो मैंने बताया स्किन का पीएच, अब आपके मुंह के अंदर से नीचे तक किसी भी ऑर्गन का पीएच जो बैलेंस होता है वो होता है 7.8। कितना बोला मैंने? 7.8। अब जब ऑर्गन का पीएच बैलेंस 7.8 से नीचे चला जाता है, कितना? 4.5 या 3.5, तो ऑर्गन में क्या हो जाता है? सिस्ट। ये बीमारी का लॉजिकल साइंस है। ठीक है, अब सिस्ट का इलाज क्या है? ऑर्गन के पीएच को ऊपर करना, सिस्ट खत्म हो जाएगा। यूट्रस रिमूव करना इस तरह। तो जब आप फाइटोमिस कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, आपकी स्किन के हिसाब से ही आपको स्किन का बैलेंस देना स्टार्ट कर देता है, तो आपकी स्किन नेचुरल ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है और उसके ऊपर जो डार्क सर्कल है, पिगमेंटेशन है, वो हटना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन के टिश्यूज और सेल हेल्थी होने स्टार्ट हो गए। लॉजिक समझ में आ गया? स्किन का मतलब हेयर के बीच में आ गया। अब जब आपके यूट्रस का पीएच बैलेंस, विच इज यूट्रस का पीएच बैलेंस कितना होता है? 8.3 और यूट्रस की स्किन का पीएच बैलेंस 3.5। ये लॉजिक समझ में आ गया? सो जब आपके यूट्रस का पीएच बैलेंस 8.3 के इक्वल आना स्टार्ट हो जाता है, तो यूट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं वो खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। इनफर्टिलिटी में अगर किसी फीमेल को मिसकैरेज हो रहा है और कंसीव करने में प्रॉब्लम है और मेल का स्पर्म काउंट प्रॉपर है, ये पहले डायग्नोस कर लेना, बिना डायग्नोस करे मत करना। डायग्नोस करने के बाद अगर फीमेल के यूट्रस में प्रॉब्लम है, यूट्रस वीक है, कंसीव करने में प्रॉब्लम है, मिसकैरेज में प्रॉब्लम है, इसका मतलब ऑर्गन वीक है, यानी कमजोर है। कमजोर का मतलब, ये मेरा हाथ है, इस हाथ के ऊपर मैं माइक रखता हूं और माइक गिर जाता है, इसका मतलब मेरा हाथ वजन, वेट नहीं उठा पा रहा है। इसी का तरीके से मिसकैरेज, आपके यूट्रस में बेबी नहीं रुक पा रहा, मतलब वीक है ऑर्गन। ठीक है, अब आपका जो मोटापे वाला था, ठीक है, जब डिलीवरी होती है मैडम, डिलीवरी के अंदर जब हम लोग सिजेरियन करवाते हैं और आप जो बिना मतलब की बीपी की, कोलेस्ट्रॉल की और कैल्शियम की दवाइयां खाते हैं, आपका हार्मोन खराब हो जाता है। समझ में आया? जरूरत नहीं है, हम लोग 500 एमजी की कैल्शियम की गोली सुबह खाते हैं, 500 एमजी की शाम को खाते हैं, ऐसे ही है ना? एक दिन में कितना कैल्शियम खाया? 1000 एमजी। 3 महीने में 90,000 mg, 90,000 mg कैल्शियम।
और जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो क्या कहते हैं डॉक्टर, इसकी बोन्स वीक है। तो 90,000 कैल्शियम कहाँ गया? बट हम लोग अपना लॉजिकल दिमाग नहीं यूज करते। आपने 1,00,000 mg कैल्शियम खाया, बच्चा अभी भी कमजोर है, तो कहां है कैल्शियम? आज से 10 साल पहले जब नॉर्मल डिलीवरी होती थी तो कोई कैल्शियम की टेबलेट नहीं चलती थी, चलती थी क्या? आपकी जब मम्मी ने आपको पैदा किया कितनी कैल्शियम खाया पूछना उनसे, क्यों? आप तो बड़े हेल्दी हैं। थैंक यू सो मच, नहीं खाया। बट मैं आज की जनरल प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं, अब मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना? सो रीजन क्या, आपने जो अनवांटेड टॉक्सिन केमिकल आर्टिफिशियल अपनी बॉडी में डाला वो कहां जाएगा? वो हार्मोन खराब कर देता है। इसी हार्मोन की वजह से ही ओवरवेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर जब फैट सेल आया था तो मैंने आपको बताया था कि आपके हार्मोन्स को स्टेबल करता है, अगर एक्स्ट्रा फैट सेल बन रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करता है, तो वेट लूज होना स्टार्ट हो जाता है। और जो लोग अंडर वेट है जैसे आज की जनरेशन जीरो शेप, ठीक है, सो उनका फैट सेल बनता ही नहीं है। सो जब वो लोग कंज्यूम करेंगे तो उनका फैट सेल बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो वेट गेन करना स्टार्ट कर देंगे। एसिडिटी या तो पाइप्स में कन्वर्ट हो जाता है या अल्सर, ट्यूमर, कैंसर। अल्सर कहीं भी हो सकता है, ट्यूमर कहीं भी हो सकता है, ठीक है, बट उसका बेस क्या है? एसिडिटी। एसिडिटी का बेस क्या है? फ्री रेडिकल। समझाया था स्क्रीन पे, सड़ा हुआ सेब। तो जब आप किसी ऐसे पेशेंट को देना स्टार्ट करते हैं, एसिडिटी का जो रूट कॉज है वो क्या है? फ्री रेडिकल, मतलब ऑर्गन का पीएच बैलेंस नीचे गिर गया, विच इज कॉल्ड एसोडिया। जो मैंने आपको बताया था जब यूरिन टेस्ट करते हैं, अगर यूरिन टेस्ट का पीएच 1 आता है तो 90% चांसेस है कैंसर होने के, और उन्हीं लोगों को पाइल्स होता है। तो जब ऑर्गन का पीएच बैलेंस बढ़ जाएगा और वो पाइल्स की जो गांठ है, मस्सा है, कुछ भी आप जो लोग बोलते हैं, सिस्ट होते हैं, वो अपने हाथ मास होता है ना, दैट इज अ छोटा सा एसिड बॉल। और अगर गलती से डॉक्टर से फटवा दिया, कुछ लोग ऑपरेशन करवा लेते हैं फिर पाइल्स हो जाता है, क्यों? अगर आपने ऑपरेशन करवा के मास को कटवा दिया और सब ठीक हो गया तो दोबारा पाइल्स क्यों होता है? क्योंकि आपने उस मास को बनने का, उस सिस्ट को बनने के रूट कॉज को डिलीट नहीं किया। जब तक आप रूट कॉज को डिलीट नहीं करेंगे बीमारी वही रहेगी। जो मैंने एग्जांपल दिया था, अगर किसी फीमेल के एक ब्रेस्ट में कैंसर हो गया, अगर वो ब्रेस्ट कटवा भी लेती है तो दूसरी ब्रेस्ट में हो जाता है। तो ऑर्गन कटवाना इज नॉट अ सॉल्यूशन, वो किस वजह से हो रहा है उसको हटाना है तो बीमारी खत्म हो जाएगी। क्लियर हो गया मैम? हाँ सर। मेरा एक कजन है सर, उसको 2 वर्ष से आगे एक्सीडेंट हुआ था, उसका बॉडी सॉफ्ट डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन धीरे धीरे करके वो बलने लगा है, उसकी बॉडी भी चलने लगी, अभी भी ये अंदर इधर से अंदर काम नहीं कर रहा। ऑपरेशन हुए मैम? ऑपरेशन, हाँ ऑपरेशन। अभी एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है वो बताओ, पहले जो हुआ छोड़ दो, आज की क्या मतलब आज ब्लड सर्कुलेशन खत्म हो जाता है। जो लोग भी अपना घुटने का या पीछे का रिप्लेसमेंट करवाते हैं, 70-80% उनका नीचे की बॉडी काम नहीं करती, क्यों? जब ऑपरेशन होता है तो यहाँ की नस ब्लॉक हो जाती है, जब यहाँ की नस ब्लॉक हो जाती है तो नीचे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। जब आपकी टांगों में और नीचे के हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो नीचे का ऑर्गन काम नहीं करेगा। समझ में आ गई सर? सो अगर कहीं पर ब्लड सर्कुलेशन का कमी है तो आप ये दोनों चीजें दे सकते हैं, 2 महीने के अंदर आपको बेहतरीन रिजल्ट आ जाएगा। मैक्सिमम 6 महीने यूज करना है, उसके बाद बंद कर देना है। मिनिमम 2 मंथ्स,
विच इज माई नेचुरल साइकिल, और मैक्सिमम 6 महीने उनको देना है जो क्रॉनिकल डिसीज के पेशेंट है। जैसे ये सर का क्वेश्चन था, किसी को 4 स्टेज का कैंसर है तो उसको, क्योंकि वो कीमो का मतलब होता है रेडिएशन। एक सर का एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट आता है, विच इज दैट ब्रेसलेट, ब्रेसलेट आता है सर का, वो विच इज एंटी रेडिएशन। जो भी कैंसर के पेशेंट है कीमो करवा चुके हैं, रेडिएशन मेरे शरीर के ब्लड को सड़ा देता है, जला देता है। जिस भी इंसान का कीमो हुआ उसको बोलो कीमो करवाना है, वो बेचारा वैसे ही मर जाता है। इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। इसीलिए अगर आप देखेंगे कोई भी सेलिब्रिटी है, अगर किसी को कैंसर होता है इंडिया में इलाज नहीं करवाता, ठीक है। सो वो जो रेडिएशन होता है वो कीमो, इसीलिए कोई भी सेलिब्रिटी, किसी को भी, फिल्म स्टार है, एक्टर है, सेलिब्रिटी है, क्रिकेटर है, उसे कैंसर होता है वो सीधा अमेरिका जाता है इलाज कराने। क्यों? वो भी तो कीमो करवा सकता है। यहाँ पे वहां पर कीमोथेरेपी नहीं होती है, वहां पे ऑर्गन के पीएच बैलेंस को उठाया जाता है, इसलिए 6 महीने में वो ठीक होके वापिस आ जाता है। हमारे यहाँ उल्टा काम है। समझ में आया? सो ये बहुत बड़ी साइंस है, ज्यादा कहना नहीं चाहेंगे, फिर नींद आ जाएगा। तो ऊपर ऊपर से समझ लेना, ऑर्गन जब एसिडिक होगा बीमार हो जाएगा, ऊपर उठेगा ठीक हो जाएगा। वो सर देंगे ना अभी सेशन के बाद, सबको दे देंगे। हाँ, एज ग्रुप का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा है, आप लोग भी सुनिए। जितने भी छोटे बच्चे हैं बिलो 12 ईयर, उनको एक पाउच हाफ ऑफ करके 2 डेज अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। पहले मैं पूरा एक अपना खत्म तो रखो जिससे उसका, ठीक है। और छोटे बच्चे हैं जैसे 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के, उनको 1/3 ये हो गया। अब 13 से लेके टिल 99 इयर्स तक दे विल स्टार्ट फ्रॉम हाफ सैचेट फॉर फर्स्ट 14 डेज, ताकि ये जो प्रोडक्ट है ये आपके ऑर्गन में एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाए, और 14 दिन में आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको पूरा सैचेट 1 दिन, मिनिमम जो इसका लेंथ है वो 2 महीने, मैक्सिमम जो लेंथ है वो 6 महीने। क्लियर हो गया? कम से कम 2 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, और मैं पिछले 2 साल से ले रहा हूं, ठीक है। तो आप जितना लंबा लेना चाहते हैं ले सकते हैं। देखो साइड इफेक्ट बुलाओ यहाँ पर 43 एज के, आपको साइड इफेक्ट दिखेंगे सारे। कुछ लोग तो मेरे चाचा लगेंगे। वन टाइम लेने के बाद इसका वन डोज और डबल डोज 2 मंथ लेने के बाद हमारे उम्र है ना। देखिए आपको जब इसका 2 महीने का कोर्स खत्म हो गया और आपको अच्छा फील हो रहा है, उसके बाद अगर कोशिश है, पॉसिबल है, तो साल में एक बार इसको रिपीट कर लो, वंस इन अ ईयर। आप साल में एक बार बॉडी चेकअप करवाते हो ना, कि 2023 में कोई बीमारी तो नहीं आया। सो साल में एक बार इसका कोर्स कर लो, ताकि पिछले साल हम लोगों ने जो भी गलत चीजें ली हैं, और अगर गलती से कोई मेरा ऑर्गन 5% 10% सड़ गया है या सड़ना स्टार्ट हो गया है तो वो रुक जाए। दिस इज आइडियली एडवाइस। क्लियर मैम? नहीं आए सर, आप सुनो। सर अभी मैंने पाइल्स के बारे में बोला था, आपको समझ में आ गया सारा, या दोबारा बोलूं? समझ आ गया? वो ऑपरेशन होता रहेगा, क्योंकि जब तक बीमारी का रूट नहीं निकलेगा वो मास इकट्ठा होता रहेगा। तो ऑपरेशन करवाना सॉल्यूशन नहीं है, वो मास की गांठ क्यों बन रही है उसको हटाना सॉल्यूशन है, क्योंकि वो जो ऑर्गन है आपका
उसका पीएच बैलेंस एसिडिक हो गया है, जब आप इसे कंज्यूम करेंगे तो उसका पीएच बैलेंस जो है वो बढ़ जाएगा, तो वो मास इकट्ठा होना, गांठ बनना, ब्लीडिंग होना बंद हो जाएगा। अभी क्लियर हुआ सर? थैंक यू डॉक्टर सर। जब ये दवाई लेते हैं ना, इसमें कोई खाने के प्राय है कि नहीं? और दूसरे इसमें रेट नहीं है इसका, इधर वाले में इसका रेट नहीं लगा हुआ है। देखिए परहेज के बारे में जो सर ने पूछा और क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लेनी है, जो लोग भी क्रॉनिकल डिसीज के पेशेंट है, बड़े प्यार से समझाना सर ने। क्रॉनिकल डिसीज मतलब कैंसर है, लीवर फेल है, किडनी फेल है, उनके लिए डाइट प्लान है, वो आपको सर दे देंगे। मैं अभी समझा भी दूंगा थोड़ा सा, ठीक है सर। जो लोग नॉर्मल है अभी, उनके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट जो 2 महीने आपको यूज करना है, उन 2 महीने में थोड़ा सा एसिडिक फूड और लिक्विड वो कम करना है, ताकि इसका 2 महीने हमें अच्छा और बेहतर रिजल्ट मिले। अगर वगैरह ले सकते हैं कि नहीं, ये दवाई लेनी चाहिए? मैंने बोला कम करना है। जैसे रोज शराब पीते हैं तो 2 दिन पियो, 5 दिन छोड़ दो। रोज गोश्त खा रहे हैं तो 2 दिन खाओ, 5 दिन छोड़ दो। देखिए एक मिनट, शराब और गोश्त मेरी जिंदगी से जरूरी नहीं है, और जिसके लिए जरूरी है वो तो फिर हॉस्पिटल में पड़ा है। देखिए उसे कहते हैं रिंग वॉर्म, गर्मी में निकल जाता है, सर्दी में चला जाता है। ये सर्दी में निकलता है, गर्मी में जाता है, सर्दी में निकलता है, ठीक है। देखिए जो मैंने आपको सर बताया था, जो रिंग वॉर्म है या एलर्जी है, वो एलर्जी आपके ब्लड के अंदर है। अगर आपका ब्लड साफ नहीं होगा, उसका रिफ्लेक्शन आपकी स्किन में पड़ेगा। ये समझ में आया? अगर आपका ब्लड इम्प्योर है तो आपकी स्किन पे दाग नजर आएगा, और अगर आपका ब्लड क्लीन है तो आपकी स्किन ग्लो करेगी। तो ये क्या करेगा? सुपर एंटीऑक्सीडेंट और सुपर एंटी टॉक्सिन काम करेगा, टॉक्सिन को निकाल देगा, खुजली होनी बंद हो जाएगी सर, ठीक है। और किसी भी इंसान को इन्फेक्शन होता है, लंग्स में इन्फेक्शन है, बार बार छींके लगना, खांसी होना, और कभी भी टेम्परेचर चेंज होता है, वो बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम रोग प्रतिरोधक शक्ति वीक होती है, सो एटलीस्ट 1-2 से 3 महीने का कोर्स करना है, सो दैट उसकी इम्यून सिस्टम बढ़ जाए। सो ये जो वायरल इन्फेक्शन और वायरल बीमारियां होती है, ये बॉडी में नहीं है। थायराइड का दवाई 12 साल से ले रहे हैं, और एज कितना है? 35 - 12=23 साल की उम्र से बीमारी है। तो अब उनको क्या करना है हमें? मैडम चलो आप बैठिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको आंसर दे देंगे, ठीक है। आप 12 साल से बीमारी की दवाई ले रहे हैं, 12 साल हो गए दवाई लेते हुए, बीमारी तो वही का वही है, बस वही का वही है, तो फिर दवाई क्यों ले रहे हैं? उसका आंसर दो। मैंने कब बोला आपका है? मतलब किसी का भी हो सकता है। यही जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा ना, यही तो वहां पूछना है। अगर 12 साल से मैं 23 साल की उम्र से दवाई ले रही हूँ, 35 साल उम्र हो गया है, बीमारी तो गया नहीं, तो दवाई क्यों ले रही हो? यही तो पूछ रहा हूँ मैं।
अब देखिए थायराइड का जो खासकर अभी थायराइड का क्वेश्चन है, थायराइड की गोली जो होती है वो सुबह उठते ही एम्प्टी स्टमक लेनी होती है। सर आपका रिप्लाई मैं करूंगा, पेट वाले सर, हाँ अभी दूंगा। ठीक है, तो थायराइड की गोली जो है सुबह होते ही एम्प्टी स्टमक लेनी होती है। ठीक है, आप जब उनको फाइटोविज देंगे तो आपको उनको ये बोलना है, पहले फाइटोविज का सेचेट लेना है बेड के ऊपर, उसके आधे घंटे तक जो भी फाइटोविज कल से कंज्यूम करेंगे, नेक्स्ट 30 मिनट तक कुछ भी खाना नहीं है ताकि ये मेरे ऑर्गन में एब्जॉर्ब हो जाए। उस 30 मिनट के बाद थायराइड की गोली लेंगे, 2 महीने के बाद थायराइड का जो एमजी लेवल है वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, रिपोर्ट नॉर्मल आना स्टार्ट हो जाएगा, और 4 महीने में थायराइड की गोली बंद हो जाएगी। फिर उससे गिफ्ट ले लेना है, क्योंकि अब पैसा बचेगा हर महीने का, किसका, थायराइड की गोली का। तो एक अच्छा सा टीवी गिफ्ट ले लेना, उसका ईएमआई वो भरते रहेंगे, क्योंकि आपने उनकी 12 साल पुरानी बीमारी को 4 महीने में खत्म कर दी। समझ में आया सर? आपके क्वेश्चन था पेट के अंदर गर्मी होती है, गैस होती है और अनडाइजेशन, ऐसी है ना, यही है ना, पेट में गैस, अनडाइजेशन और हीट ना, 10 दिन से सर। देखिए 10 दिन से बीमारी है तो आप फाइटोविज भी ले सकते हैं, अदरवाइज आपके जो नीचे का हिस्सा होता है जिसे हम लोग इंटरस्टाइन कहते हैं, छोटी आंत या बड़ी आंत, ठीक है, और लोअर, आप इसका कोर्स जो है सिर्फ आपको 2 महीने करना है, और एक जो मेरा डाइट प्लान है उसको फॉलो करना है। ये दर्द अभी यही खत्म हो जाएगा ताकि भविष्य में ये दर्द का कारण जो है आपके स्टमक का पीएच बैलेंस नीचे आ गया, यानी अल्सर या ट्यूमर होने के चांसेस है, तो आप उसको अभी ठीक कर दीजिए ताकि भविष्य में कोई मेजर बीमारी नहीं आए। आप एक काम करें, सो मैडम का जो क्वेश्चन है वो डिप्रेशन से रिलेटेड है। मैडम आप ध्यान से सुनिए और इसका जवाब जब मेरी ट्रेनिंग चल रहा था मैंने दिया था कि जितने भी लोग डिप्रेशन के हैं मैक्सिमम लोग सुसाइड अटेम्प्ट करने का कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ब्रेन के सेल्स, न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है। ये बोला था मैडम, यही चीज आप बोल रहे हैं। ठीक है, तो जब हम फाइटोविज देना उनको भैया को स्टार्ट करते हैं, फाइटोविज का जो रिजल्ट आता है ये भी मैंने आपको बताया था कि 100% ऑन माई फिजिकल बॉडी, पैरेलली 100% ऑन माई मेंटल बॉडी, ये भी बोला था। सो वो जो बीमारी है वो किससे रिलेटेड है? सॉफ्टवेयर। जब आप किसी भी चीज को सबलिंगुअल करते हैं ना, तो सबलिंगुअल करने का मतलब है उसका एक पोर्शन नीचे जाता है, एक पोर्शन ऊपर जाता है, इसीलिए साइंस को बोला गया सबलिंगुअल साइंस। ये भी एक साइंस है, विज्ञान है। तो जब भैया को आप देना शुरू करेंगे, ठीक है, उनका 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिमाग की, जो मैंने एक और लाइन बताई थी, हमारे दिमाग के अंदर बालों से भी छोटी नसें होती है, छोटी का मतलब बारीक, आपका बाल कितना बारीक है आपको मालूम है, उससे भी बारीक नसें होती है। तो जब हमारे ब्लड के सर्कुलेशन, एक मैंने वर्ड यूज किया था नाइट्रिक एसिड, विच इज अ संजीवनी ऑफ माय ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, तो जब ब्लड का सप्लाई कमजोर हो जाता है, इसका मतलब आपका भैया का ब्रेन स्लो होने का मतलब यह है कि उनके दिमाग के अंदर ब्लड का सप्लाई वीक, कमजोर है, जिससे नेगेटिविटी वो ज्यादा फोर्स अपने पास खींचते हैं और बातों को सुनते नहीं है या समझते नहीं है। ठीक है, तो जब हम फाइटो
पोर्शन नीचे जाता है, एक पोर्शन ब्रेन में जाता है। तो जब हमारा ब्रेन का ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाएगा तो डिप्रेशन से वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर अभी भी उनका डिप्रेशन का दवाई चल रहा है, धीरे धीरे उस दवाई का एमजी कम करना स्टार्ट कर देना, ताकि एक लेवल तक आके वो दवाई बंद हो जाए। एकदम दवाई को बंद नहीं करना, वरना विड्रॉल समझते हैं, किसी भी ड्रग्स को बंद करने से विड्रॉल्स आते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो एकदम कोई भी दवाई, आप लोग सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं, एकदम किसी भी दवाई को आप स्टॉप नहीं करेंगे। जो लोग पेन किलर ले रहे हैं, 50 mg की, 60 mg की बीपी की गोली ले रहे हैं, डायबिटीज की ले रहे हैं, या किसी भी और बीमारी की ले रहे हैं, एंटीबॉडीज ले रहे हैं कैंसर के पेशेंट, 20 गोली सुबह 20 गोली शाम को, किसी भी दवाई को बंद नहीं करेंगे एकदम। अगर आपने बंद किया तो उस दवाई के विड्रॉल्स आ जाएंगे, क्योंकि वो आर्टिफिशियल केमिकल अब 6 साल से 12 साल से माइग्रेन वाले जो थे, वो 12 साल से माइग्रेन की गोली खा रहे हैं, तो उनका शरीर उस केमिकल का आदि हो चुका है, ड्रग का आदि हो चुका है। सो धीरे धीरे उसका एमजी स्लो करना है, यानी नीचे लेके आना है, फिर बंद कर देना है।